लखनऊ में एवीपी गंगा की खबर का असर, अंसल बंधुओं समेत चार पर मुकदमा दर्ज। मंत्री स्वाति सिंह ने सीओ को दी थी बिल्डर्स पर केस न करने की धमकी। उन्नाव के ट्रांसगंगा सिटी में अब शांत हुआ माहौल, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। अखिलेश और प्रियंका ने सरकार को घेरा। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा बोर्ड, 30 दिन में दाखिल कर सकता है पुनर्विचार याचिका। अयोध्या में निर्मोही अखाड़े के पंचों ने की बड़ी बैठक, वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मानी निर्मोही अखाड़े की मौजूदगी, ट्रस्ट में बड़े पद के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखेंगे पत्र। राम मंदिर पर फैसला देने में शामिल जज को जेड प्लस सुरक्षा, जस्टिस एस नजीर को परिवार समेत मिली कड़ी सुरक्षा। पीएफआई की धमकी के बाद फैसला, अयोध्या पर फैसला सुनाने वाले 5 जजों में से एक है जस्टिस नजीर। महोबा में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल, एसडीओ ग्रामीण को जनता के सामने हड़काया, कहा ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जेल। आज सीजेएम कोर्ट में चिन्मय आनंद की पेशी, कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल, रेप और रंगदारी दोनों केस का ट्रायल। बरेली में एबीपी गंगा की खबर का असर, धमकीबाज इंस्पेक्टर सुरेंद्र लाइन हाजिर, डीजीपी के तलब करने के बाद एसएसपी ने की कार्रवाई, पराली पर ट्वीट करने पर दी थी पीड़ित को धमकी। कुशीनगर में अनियंत्रित होकर पलटी टूरिस्ट बस, हादसे में 5 यात्रियों की मौत, कई की हालत नाजुक। चमोली में बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट, शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट, हजारों भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।